आमिर खान, सनी देओल और राजकुमार संतोषी का ट्रियो पहली बार मोस्ट अवेटेड लाहौर 1947 के लिए एक साथ आया है। फिल्म को लेकर बज भी खूब क्रिएट हुआ है। ऐसे में फिल्म के साथ बतौर डायरेक्टर जुड़े राजकुमार संतोषी ने अब ना सिर्फ इसे अपने करियर की मोस्ट स्पेशल कहा है, बल्कि इस टीम को बेस्ट ड्रीम टीम भी मानते हैं, जिसमें इंडस्ट्री के दो और क्रिएटिव लेजेंड्स का नाम जुड़ चुका है। तो कौन है वो बिगीज, यही इस स्टोरी में हम आपको आगे रिवील करेंगे। अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 को लेकर जितनी एक्साइटमेंट सनी देओल के फैंस के बीच है, खासकर गदर 2 हिट होने के बाद, उतने ही एक्साइटेड फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी भी फिल्म को लेकर है। रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने आमिर खान और सनी देओल के साथ टीम अप करने पर खुलकर बात की। उन्होंने इस कोलैबोरेशन को स्पेशल बताया। आमिर खान के प्रोडक्शन तले बनने जा रही लाहौर 1947 एक पीरियड फिल्म है, जिसके लिए आमिर, सनी और राजकुमार संतोषी पहली बार साथ आए हैं। इसे एड्रेस करते हुए फिल्म मेकर सेड, ये मेरे करियर की स्पेशल फिल्म है। ऑल्सो इट्स अ रियूनियन विद द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। आई वर्क विद आमिर इन अंदाज अपना अपना एंड दिस टाइम ही इज कोलैबोरेटिंग एज अ प्रोड्यूसर। ऑन द अदर हैंड विद सनी देओल वी मेड द मोस्ट लव्ड फिल्म्स लाइक घायल, दामिनी एंड घातक। राजकुमार संतोषी ने फिल्म के साथ एआर रहमान और जावेद अख्तर के एसोसिएशन की भी बात कही एंड ऑल्सो गिव एन अपडेट कि ये फिल्म कब से होगी स्टार्ट। फॉर अ फिल्म ऑफ दिस मैग्नीट्यूड आई कांट थिंक ऑफ एनीवन एल्स देन एआर रहमान एज अ म्यूजिक कंपोजर। ही इज वन ऑफ द टॉप कंपोजर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जावेद अख्तर एंड आई शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद ईच अदर फॉर मेनी इयर्स। हैविंग हिम फॉर दिस प्रोजेक्ट एज अ लिरिसिस्ट इज अ डिलाइट। दिस इज ट्रूली द बेस्ट ड्रीम टीम एंड रेयर टू कम टुगेदर। विद ऑल द पॉजिटिविटी and full of energy, we will commence the shoot for the film very soon. बता दें, इस फिल्म का ऐलान लास्ट ईयर अक्टूबर में गदर 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद आमिर खान प्रोडक्शन ने एक ऑफिशियल पोस्ट जारी कर किया था। ऐसे में क्या आप भी लाहौर 1947 के फ्लोर्स पर जाने का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार?